हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कुकिंग विद किरण चैनल में आपका वेलकम है। आज मैं आपको वाटरमेलन का स्टार्टर्स बनाना बताने जा रही हूँ। वाटरमेलन बच्चे जल्दी खाना पसंद नहीं करते हैं। आप इस तरीके से यह स्टार्टर्स बनाएंगे तो बच्चे वाटरमेलन को फटाफट फिनिश करेंगे। चलिए देखते हैं। वाटरमेलन स्टार्टर्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम वाटरमेलन को लिया है और उसको इस तरह से मैंने इसका छिलका निकाल कर इसे मैं लंबा चौकोर में कट कर लिया है। अब इसे मैं यहाँ से दो भागों में कट करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ से बीच में से इस तरह से बराबर बराबर कट कर लूँगी। मैंने इस तरह से इसको चौकोर पीस में कट कर लिया है और इसका जो भी मैंने एक्स्ट्रा पीस था वो मैंने इसे निकाल लिया है। अब इसमें हमें करना क्या है, इस तरह से आपके पास कोई गोल कटोरी हो छोटी सी, या कोई ढक्कन हो, या आपके पास स्कूपर हो, तो हमें इस तरह से इसमें बीच में इस तरह से राउंड राउंड करके एक कैविटीज, मतलब छोटा सा एक हमें होल करना है इसमें। इस तरह से मैंने इसमें से इसको निकाल लिया है और ये एक छोटी सी स्पून से मैं इसे इस तरह से बाहर निकाल लूंगी। इसमें हमको एक कैविटीज, एक इस तरह से होल मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से ही हमें सारे वाटरमेलन को कैविटीज बना लेनी है और जो भी इसमें एक्स्ट्रा बीज हो उसे हमें निकाल लेना है। मैंने सारे वाटरमेलन को एकदम अच्छे से कैविटीज होल बना लिया है, ये आप देख सकते हैं। और जो इसमें मुझे एक्स्ट्रा बीज दिखा था उसे भी मैंने निकाल लिया है। अब इसमें हम फीलिंग करेंगे। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिए। आइए इसके लिए अब हम फीलिंग बनाते हैं। मैं यहाँ पर आधा कटोरी हंग कर्ड ले लिया है। हंग कर्ड आप घर पे भी चाहें तो बना सकते हैं। दही को जमा कर और एक कॉटन के कपड़े में उसे छान कर हंग कर्ड आप बना सकते हैं। मैंने इसे घर पर ही बनाया है। और आधा चम्मच मैं इसमें काला नमक ले रही हूँ। काला नमक जगह आप प्लेन नमक भी ले सकते हैं। और आधा चम्मच मैं पीसी हुई चीनी ले रही हूँ। पीसी हुई चीनी आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं और ले सकते हैं। और आधा चम्मच मैं भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा सा मेरे पास रेड चिली फ्लेक्स है उसे भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और कुछ मेरे पास पुदीना के पत्ते हैं, मैं उसे इस तरह से हाथों से तोड़ के रफली इसमें इस तरह से तोड़ के डालूंगी, जिससे कि बहुत अच्छी सी एक इसमें रिफ्रेश सी खुशबू हमें मिले। यहाँ पर मैं दो बड़े चम्मच डेस्टिकेटेड कोकोनट ले रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश नारियल भी ले सकते हैं, पर मेरे पास फ्रेश नारियल नहीं था, अभी ये था तो मैं इसमें यही मिक्स कर रही हूँ। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसमें डालना है। मैं चम्मच से डालूंगी तो अच्छे से ये फिल नहीं होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक ले रही हूँ और उसमें मैं इसे डाल रही हूँ। कोई भी आप जिप लॉक आपके पास बैग हो या किसी भी दूध की थैली हो, लेके आप उसे कटिंग करके इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करना है, सिर्फ हमें इसे अच्छे से फिल करना है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से मैं इसे भर ले रही हूँ। हमने इसे अच्छे से फिल कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक सीजर की मदद से यहाँ पर छोटा सा एक कट लगा लूँगी। अब इसे हम फुल कर देंगे। इसमें मैंने एकदम अच्छे से फिल कर लिया है। अब इसमें मैं एक एक डेकोरेशन के लिए पुदीने का पत्ता ऊपर से ऐसे इस तरह से लगा लूँगी, तो देखने में बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग सा और बहुत सुंदर भी लगेगा। बिना गैस जलाए 5 मिनट में झटपट बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कुकिंग विद किरण चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।